हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। इस वीडियो में आज आपके लिए लाया हूं सोशल का मैथ 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन लिख करके याद कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना सवाल इन पाँचों में से याद था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसका जो घंटा वाला बटन है ना, बेल आइकन, इसको प्रेस करेंगे ताकि जब भी क्लास चलेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये है हमारा इसको फॉलो करने का लिंक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, अगर यूज करते हैं इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे, ओके। और इसका मैं पीडीएफ भी दूंगा, और वो पीडीएफ मिलेगा वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। तो सबसे पहले सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, वही पंचायती राज व्यवस्था जो है वही है, पंचायती राज या पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोलता है, और ये सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए तो डबल फायदा है, और हिंदी वाले तो हिंदी तो जान ही रहा, इंग्लिश वाले समझ के हिंदी और इंग्लिश दोनों जान लीजिएगा, ठीक है। देखिए आज का युग लोकतंत्र का युग है, आज का जो युग है, जो जमाना कैसा है, लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण पर जो बहुत जोर दिया गया है, ठीक है ना। भारतीय प्रशासन में भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाए जाने की आवश्यकता की प्रतीत हुई। देखिए विकेंद्रीकरण किसको बोलते हैं, विकेंद्रीकरण बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई भी शक्ति सिर्फ सेंटर के पास ना हो, बल्कि उसकी शक्तियाँ जो है, कोई भी जो देश की शक्तियाँ जो है वो बंटवारा होकर रहे, जैसे कि सिर्फ सेंट्रल शक्ति ना हो। अगर सिर्फ सेंट्रल शक्ति होगा तो जो और भी जो अगल बगल जो स्टेट है वो शक्ति, उसको शक्ति अगर उसको नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा, छिन, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सबका अलग अलग रवैया हो जाएगा, सही से शासन व्यवस्था सही से चल नहीं पाएगा ना। इसलिए शक्ति का बंटवारा होना जरूरी है। विकेंद्रीकरण मतलब हुआ शक्ति का बंटवारा करना, केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण, है ना। सिर्फ जो शक्ति, जो शासन है, शासन जो है सभी को हर हर क्षेत्र में शासन होना चाहिए। जैसे एक सेंट्रल पे शासन हो रहा तो सेंट्रल शासन कर रही है, उसके हर स्टेट शासन कर रही है मुख्यमंत्री के रूप में, स्टेट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट आता है, ब्लॉक आता है, तो उस तरह से पंचायती राज व्यवस्था एक शासन के रूप में आता है, ठीक है ना। तो इसका विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है, और भारतीय प्रशासन में भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। इस सिद्धांत को कार्यरूप देने के उद्देश्य से भारत के संघ सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। किसका समिति, याद रखिएगा। तो सवाल बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था, तो बलवंत राय मेहता समिति, ओके। इस समिति ने यह सिफारिश किया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। इसके अनुसार ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर पंचायती स्तर पर स्थानीय संस्थाओं का गठन किया जाए, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा जानते हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये तीन प्रकार से जो है पंचायती राज व्यवस्था स्थापना किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले लिखे हुए, इंग्लिश का सवाल का देखो इसका किया हुआ ट्रांसलेट, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है इसको यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे सवाल पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, नारी सशक्तिकरण। देखिए सशक्तिकरण मतलब नारी का जो पावर है, पावर, वोमेन एम्पावरमेंट, यानी कि नारी जो आज सशक्तिकरण हो रहा है, नारियों को बहुत कुछ सरकार के द्वारा हेल्प किया जा रहा, रिजर्वेशन दिया जा रहा, उसको शक्ति दी जा रही कि आपको इसमें पावर है, ये काम आप भी कर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा कि आप इसे समझते क्या है, बताइए। देखिए नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है, मतलब नारी सशक्तिकरण का मतलब यह है कि महिलाओं को उनको प्रभावित करने वाली आर्थिक कारक या सामाजिक कारक या राजनीतिक कारक या पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की जाए। देखिए होता क्या है, अब तो कम गया है ना, पहले अभी भी कुछ कुछ देखने को मिलता है। तो नारियों को, जो महिलाओं को आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक पैसा वैसा के मामले में पीछे रखा जाता है, ये यार नारी का काम नहीं है पैसा कमाना, पैसा कमाना मर्दों का काम है, तो ये पीछे हो गया। समाज के मामले में कोई भी फैसला लेना नारी का हक नहीं था, है ना। राजनीतिक करना महिलाओं को अधिकार नहीं था। पारिवारिक मामलों का में जो नीति निर्माण किया जा रहा, नारी का कुछ भी मामला नहीं था। तो अब इसमें भी ये हिस्सा लेंगी, यानी कि पैसा कमाने का भी काम नारी करेगी, समाज को देखने का भी काम नारी करेगी, राजनीतिक भी करेगी नारी, महिलाएं, है ना। पारिवारिक मामला कुछ है तो उसमें कुछ नीति बन रहा, कुछ नियम कानून बन रहा, तो उसको भी देखेगी, उसमें भी भागीदारी लेगी, तब होगा नारी का सशक्तिकरण, यानी कि इसमें भी नारी का पावर होना चाहिए, है ना।
वर्तमान युग में नारी सशक्तिकरण की धारणा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा है ना। आजकल क्या देखा जा रहा कि नारी सशक्तिकरण जो है नेशनल तो हो ही रहा, इंटरनेशनल भी समर्थन प्राप्त हो रहा। आज महिलाएं एरोप्लेन उड़ाती हुई दिख रही है ना, जेट उड़ाती हुई दिख रही, पहले नहीं था ऐसा, लेकिन आज सब कुछ दिख रहा। आज महिला राजनीतिक में भाग ले रही है, राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है ना। भारत सरकार के वर्ष 2000 में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा की गई थी। कब? 2000 में नारी सशक्तिकरण की घोषणा, नई नीति की घोषणा 2000 में की गई थी। पंचायतों व नगर पालिकाओं में महिलाओं आरक्षण नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। देखिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं में नारी सशक्तिकरण को 50% नारियों को, महिलाओं को जो है 50% जो है पंचायती और नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया गया है। 50% यानी कि 50% सीट पर महिलाएं ही जीतेगी। कोई मुखिया बनेगी, कोई वार्ड कमिश्नर बनेगी, तो महिलाएं ही बनेगी। तो इससे क्या हो रहा, नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दिख रहा कि हाँ भाई, रियली महिलाओं को भी मुखिया बनने का मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं है, है लेकिन अक्सर जगह है महिलाओं को। अब देखिए, कोई भी नौकरी में निकलता है, कोई भी जॉब निकलता है, तो महिलाओं को वहाँ पर आरक्षण प्राप्त है, है ना। टीचर के लाइन में देख लीजिए, कुछ भी लाइन में देख लीजिए, सरकारी नौकरी में देख लीजिए, सब में जो है महिलाओं को 50% 33% आरक्षण प्राप्त है। ये क्या है, नारी का एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है ये। ओके, ये देख लें आप, इसका इंग्लिश का आंसर देख लीजिए। ओके, समझ में आ गया। इसको नोट करके आप लोग कॉपी पे नोट कर लें और इसको याद करेंगे, नोट करके याद करेंगे, लेकिन लिख करके याद करेंगे। अगला सवाल है, संघीय शासन की दो विशेषताएं क्या है। देखिए, संघीय शासन की फेडरल, देखिए संघीय मतलब क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट। संघीय शासन की दो विशेषताएं बताइए। देखिए क्या है, संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था के जो सर्वोच्च शक्ति सत्ता होता है, जो मेन सत्ता होता है, वो केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न आनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ती है। जो संघीय सरकार होती है ना, तो जो सत्ता में आती है, जो सेंटर में जो सत्ता में आती है, जो सरकार बनती है, तो अपना कुछ पावर अपने पास रखती है, और जो उसके विभिन्न आनुषांगिक इकाइयां हैं, उससे जो लगी हुई जो इकाइयां हैं, उसके पास भी शक्ति मिलता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। आपको पता है, एक तो सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है, एक केंद्रीय स्तर पर होता है, दूसरा जो है प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर होता है। यह संघीय शासन व्यवस्था, मतलब एक सेंट्रल पे शासन करेगा, एक स्टेट पे शासन करेगा। यूं मान लीजिए, एक हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो सेंट्रल पे शासन कर रहे हैं, और अपना अपना स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो राज्य यानी कि क्षेत्रीय बोले, प्रांतीय बोले, ठीक है ना। तो ये हुआ, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, ठीक है ना। तो यही संघीय शासन के दो विशेषताएं हैं। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देख लें, स्टेट एनी टू फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इसके दो क्या बोलता, फीचर बताने बोल रहा है, विशेषताएं बताने बोल रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे सवाल है, पूंजीवाद क्या है जी, ये इतिहास का सवाल है। हाँ देखिए, पूंजीवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपत्ति और निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दिया जाता है। पूंजीवाद के मतलब होता है कैपिटलिज्म, यानी कि प्राइवेट टाइप का, ठीक है ना। पूंजीवाद का एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपत्ति यानी कि जो पैसा हो रहा, संपत्ति और निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दिया जाता है। मतलब पूंजीवाद में ना प्राइवेट जो सेक्टर होता है, प्राइवेट के जो लोग होते हैं, उसको सिर्फ लाभ चाहिए। जनता, किसान, जो भी हो ना, मजदूर मरे या जो हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ लाभ चाहिए, पैसा चाहिए और लाभ चाहिए, है ना। इस व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग के लोग, जैसे टाटा बिरला, देखिए ये क्या है, पूंजीपति वर्ग लोग है, टाटा बिरला, डालमिया, सीमेंट का नाम सुने हो, डालमिया, अंबानी परिवार आदि आते हैं, ये सब क्या है, पूंजीवाद है। मतलब इस इन्होंने बहुत सारी कंपनियां बना रखी हैं, इसको क्या चाहिए, इसको संपत्ति चाहिए, इसको अपना फायदा है, है ना, अपना फायदा खाली देखता है। ये सरकारी नहीं है, ये पूंजी प्राइवेट है, समझो। ये इसमें लोग अपने पूंजी के सहारे किसी सामान को स्टॉक पर अपनी दर का निर्धारण करते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। अब जैसे टाटा बिरला ने कोई भी सामान अगर बनाएगा, टाटा बिरला कोई भी सामान बनाएगा, तो उसका कीमत जो है, टाटा बिरला मान लीजिए एक टाटा का कार बनाती है, ठीक है, तो टाटा कार की कीमत
हमारे भारत सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि टाटा बिरला का जो मालिक है ना वो तय करेगी, क्योंकि उसको चाहिए हमको कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान, उसको अपने फायदे के लिए करेगा, है ना। उस तरह से मान लीजिए अंबानी साहब है, अंबानी साहब जियो का मोबाइल निकाला, तब जियो का मोबाइल का कितना कीमत होगा ये मोदी जी तय नहीं करेंगे, बल्कि ये अंबानी साहब तय करेंगे, है ना। डलमिया है, सीमेंट का कितना दाम होगा ये तय करेंगे, मतलब ये अपना प्राइवेट लोग हैं, ये अपना फ़ायदा देख के कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारी होता है ना, जो सार्वजनिक होता है, जिसको बोलते हैं निजी, हाँ सार्वजनिक जो होता है वो क्या होता है ना, सरकार सभी चाहुमुखी बहुमुखी देख के, मतलब चार सब कुछ देख के, क्या कम है क्या बेस है सबको देख के रुपया, मतलब उसका कीमत तय किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए पूंजीवाद के कारण काला बाजारी भी उत्पन्न हो गई, पूंजीवाद के कारण काला बाजारी भी शुरू हो गया। अब देखिए कोई सामान आपको मिल रहा है 500 रुपये में, ठीक है ना, और आपको उसी का कोई आदमी बैठ गया, अब 500 कोई सामान नहीं बिक रहा, महंगा कर दिया, अब उसी का कोई आदमी बैठ गया आपको 550 में दे दिया, आप जाके ले लीजिए इससे, अभी का किया 50 रुपये इससे ले लेगा, है ना, ऊपर से लेगा, काला बाजारी। अब अच्छा कभी कभी ऐसे भी होता है 500 रुपये सामान है, अरे सामान स्टॉक में है नहीं, ख़त्म हो गया, कोई आदमी आया बोला हम 600 रुपये में सामान देंगे आपको, ला के देंगे, तो आप क्या, आपके लिए अगर ज़रूरी होगा तो देना पड़ेगा, है ना, और वो वहाँ से खत्म लाएगा 500, सेटिंग होया हुआ उससे, जो पूंजीवाद है उससे सेटिंग होया हुआ है, 500 में सामान उठाएगा आपको 600 दे देगा, तो 100 रुपये का हुआ उसको फ़ायदा उठा लिया, ये काला बाजारी है, है ना। मतलब काला बाजारी समझ रहे हैं, जो सामान 100 रुपये में है वो आपको बढ़ा चढ़ा के मिलेगा, उसी को बोलते हैं काला बाजारी। बिहार में वन विनाश के दो मुख्य कारक बताइए, वन का जो विनाश हो रहा है बिहार में कारण क्या है, देखिए लिखते हैं, मानव जाति द्वारा वन संपदा की अंधाधुंध कटाई होना, सही बात है यार, मानव जाति जो है वन संपदा जो पेड़ पौधे हैं उसकी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तब ना अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चरण एवं विविध तरीके से वन संपदा का दोहन वन विनाश के मुख्य कारक है। जो पालतू पशु है वो भी अभी देखते हैं, सरकार ने दोनों रोड सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगाया, भाई साहब पेड़ लगाया, अब उसको अगर सही से देख रेख नहीं किया जाएगा तो जो पशु पाल रहे ना वो पशु जाके खा लेगा तो वो तो बढ़ नहीं पाएगा ना, तो और अनियंत्रित चरण यानी कि सबका चर जा रहा, जो घास वगैरह सब खा ले रहा, विविध तरीके से वन संपदा का दोहन, अनेक प्रकार से दोहन हो रहा, यही सब विनाश का प्रमुख कारण। दूसरा कारण क्या है, प्रशासनिक में वो व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग बनना, अब रेल मार्ग बनना है, अब अगर रेल मार्ग के रास्ते में पेड़ आ गया तो पेड़ को काट लेगा, सड़क बनना है सड़क के लिए अगर पेड़ आ गया तो पेड़ को काट लेगा, भवन बनना है तो वो भी काट लेगा, क्षति पहुँचा, इससे क्या होता है पेड़ पौधों की क्षति होती है, वन संपदा की क्षति होती है। इसके अतिरिक्त तेजी से जारी खनन कार्य, अब खनन कार्य जो हो रहा है, कृषि भूमि का विकास भी वनों के विनाश के कारक है। देखो क्या हो रहा, हम जो खेती कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के हम बीज बो रहे हैं, उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, खाद यूज कर रहे हैं, अब उससे क्या हो रहा ना, वो जो क्या बोलते हैं मिट्टी का जो क्षमता है ना, उर्वरक क्षमता, वो घट जाता है, तो वन के विनाश का ये भी कारक एक बना हुआ है। तेजी से खनन कार्य मतलब आप समझिए, ये जैसे कोयला निकल रहा है, ये निकल रहा, खुदाई का काम चल रहा, तो ये सब भी हमारा क्या है, वन का विनाश के कारण ही है ना। तो ये हमारा इंग्लिश वाला यहाँ पे नोट कर लो, तो फिलहाल यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इन 5 सवाल को नोट कीजिएगा, और अगर आपको ये 5 के 5 याद है तो नीचे कमेंट करेंगे, याद नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, और लिख करके इसको याद कर लीजिए, आज याद कर लीजिए, ठीक है, आज आपको ये 5 सवाल याद होना मांगता है, ओके, अगर याद नहीं होगा तो आज नहीं तो कल एकदम कन्फर्म याद कर लीजिएगा, ओके। उम्मीद है कि आपको ये सवाल याद हो जाएगा, आपने इसको नोट कर लिया, ओके। वीडियो को फिलहाल लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो पहली बार अगर आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लाइक वैक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।